गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पार्ट पांच हिस्सा। तो पार्ट पढ़ने से पहले हम पहले इसके लेखक का परिचय पढ़ेंगे और शब्दार्थ पढ़ेंगे। इसके लेखक विषम मेहता के लेखक रचनाकार पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर श्याम सिंह शशि प्रसिद्ध समाज शास्त्री एवं साहित्यकार रहे हैं। समाज की सेवा करने वाले और साहित्यकार रहे। उनका जन्म हरिद्वार उत्तराखंड के निकट बहादुरपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1938 को हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1 जुलाई 1938 को, और बहादुरपुर नामक गांव में जो कि उत्तराखंड में है हरिद्वार के पास। उन्होंने लगभग 300 पुस्तकें लिखी है जिनमें सर्वाधिक प्रमुख है समाज विज्ञान, सबसे मुख्य है समाज विज्ञान, हिंदी विश्वकोश और अग्निशास्त्र। आदिवासियों के जीवन व रहन सहन के बारे में लिखी उनकी पुस्तकें द वर्ल्ड ऑफ नोमेड्स और एकला चलोरे काफी चर्चित रही है। एकला चलोरे द वर्ल्ड ऑफ नोमेड्स ये इनकी बहुत चर्चा में रही है, लोगों की चर्चा का विषय बनी है। अब आइए हम इसके शब्दार्थ करते हैं। स्वाधीन, आजाद, यातना, तकलीफ, प्राण निछावर करना, बलिदान देना, डीलोल, शरीर की बनावट, विरुद्ध, खिलाफ, होश उड़ जाना, घबरा जाना, चकमा, धोखा देना, अभियोग, आरोप लगाना, दोषी बताना, भावी आने वाले समय, मार्ग रास्ता, मार्गदर्शन, रास्ता दिखलाना, उपाय बताना, भूमिगत होना, नजर बचाकर छिप जाना। अभी हमने पढ़ा स्वाधीन का पराधीन, यातना, कष्ट या तकलीफ, प्राण न्योछावर कर देना, बलिदान कर देना, डीलोल उनका जो शरीर की स्थिति है, डीलोल शरीर की बनावट, विरुद्ध, खिलाफ, चकमा देना, चकमा धोखा देना, होश उड़ जाना, घबरा जाना, अभियोग, मुकदमा लगाना, भावी आने वाले जीवन की या आने वाली योजनाएं, मार्ग रास्ता, मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना, अंडरग्राउंड हो जाना, नजर बचा करके छुप जाना, बोलते हैं भूमिगत हो जाना। आइए अब हम ये पाठ करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास काफी गौरवशाली है, गौरव से युक्त है, गौरव से परिपूर्ण। इस इतिहास के पन्नों में समाज के हर वर्ग के बलिदानियों की कहानियां सुनती हुई है। ऐसे ही एक वीर सेनानी बिरसा मुंडा की जीवनी इस पाठ में पढ़ते हैं। ऐसे ही वीर सेनानी बिरसा मुंडा की जीवनी का इस पाठ में वर्णन किया गया है, जिन्हें आदिवासी समाज आज भी भगवान के रूप में पूजते हैं। आदिवासी समाज के लोग आज भी बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजते हैं, भगवान मानकर ही इनकी पूजा करते हैं। आज हमारा देश स्वाधीन है, हम आजाद है, स्वतंत्र है। इस स्वाधीनता के लिए, इस आजादी के लिए देश के कितने ही लोगों ने न जाने कितने कष्ट सहे, बहुत सारे कष्ट लोगों ने सहे किए हैं। कुछ फांसी के फंदे पर लटके तो कुछ जेल में यात्राएं सहते रहे, कुछ ने कुछ को तो फांसी लगा दी गई है और बहुतों ने जेल में कष्ट सहे हैं, यात्राएं झेली। कुछ लोगों को तो काला पानी की सजा हुई और उन्हें मारने जेल भेज दिया गया, देश की काला भेज दिया गया। हमारी आजादी की ये लड़ाई बहुत लंबी थी, बहुत लंबे समय तक हमारे वीर योद्धा ये लड़ाई लड़ते रहे। आजादी की इस लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों में से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि के नाम को सभी जानते हैं। इन लोगों को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो अनाम सर्व हो गए, जिन्हें हम नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण उछावर किए, अपने प्राण कुर्बान कर दिए, पर उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। मुंडा एक प्रकार के आदिवासी लोग हैं, मुंडा एक जाति आदिवासी लोगों की, जो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जंगलों में बसे हुए हैं। वहां पर ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में के जंगलों में रहते हैं। मुंडा लोग प्राय छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, छोटी छोटी बस्तियां बना करके थोड़े थोड़े लोगों की एकत्रित होकर के ये रहते हैं, और इनके घर अधिकतर मिट्टी तथा बांस के बने होते हैं। इनके घर मिट्टी और बांस के बने हुए होते हैं।
ये लोग बहुत सारे स्वभाव के मेहनती होते हैं, बहुत ही सीधे होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। ऐसे ही एक मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ऐसे ही मुंडा परिवार में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। उनका जन्म उलिहातू नामक गांव में हुआ। झारखंड में खूंटी के समीप पड़ता है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करवी हाथी था। पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करवी हाथी। बिरसा का बचपन अन्य साधारण बालकों की भांति ही बीता। बचपन इनका जैसे बीता, साधारण जो सरल से बच्चे होते साधारण परिवार वाले उनके जैसे ही इनका बचपन बीता। वे माता पिता के काम में हाथ बटाते थे, माता पिता का भी काम करवाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। धीरे धीरे बालक बिरसा जवान हुए, बड़े हुए। वे बड़े बुद्धिमान थे और तीव्र बुद्धि वाले थे, तेज तर्रार थे। उनका दिल तो सामान्य मुंडाओं की अपेक्षा विशाल था। जो दूसरे मुंडा बच्चे हुआ करते थे हुआ उनसे हस्त पुष्ट शरीर वाले थे। बिरसा अब समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। बिरसा मुंडा अब समाज सेवा करने लगे थे। समाज सेवा में वो उनकी रुचि थी। मुंडा समाज धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होता गया। वहाँ के जो लोग थे मुंडा लोग धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होते गए, आकर्षण का केंद्र बन गए और समाज में उनका प्रभाव और आदर बढ़ता गया। समाज में उनका प्रभाव, उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत बढ़ती गई। मुंडा लोग यहाँ तक मानने लगे कि इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है, उनके पास जाने से तुरंत बीमारी भी ठीक हो जाती है। आदिवासी लोग उन्हें धरती बाबा कह करके पुकारने लगे। क्या कहने लगे? धरती बाबा कह करके आदिवासी लोग उनको पुकारने लगे। उन दिनों देश भर में आजादी की लहर फैलती जा रही थी। देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन बहुत तेजी से चल रहे थे। सारे युवा, किशोर और प्रौढ़ व्यक्ति इसमें भाग ले रहे थे। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। मुंडा समाज भी जागरूक हो चुका था। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट किया, सबको इकट्ठा किया और अंग्रेजों के विरुद्ध उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। सारे मुंडा लोग उनका यह इशारा पा करके अपने आप को देश के लिए कुर्बान करने को तैयार हो गए। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। जब उन्होंने इनके क्रांतिकारी विचार देखे तो वो घबरा गए। सरकार ने उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करना चाहा, जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को लगातार चकमा देते रहे। दो बार लेके निकल जाते थे बचकर, उनके गिरफ्त में नहीं आए, वो गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन 8 अगस्त 1895 को वे घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें 8 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया जब वो घर में सो रहे थे। जिस समय सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे उस समय हजारों लोग उन्हें देखने को जमा हुए थे। हजारों लोगों की भीड़ में इकट्ठी हुई। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग चलाया गया, झूठा मुकदमा चलाया गया लूटपाट करने का आरोप। और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई और उन्हें 2 साल की सजा हो गई। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। कहाँ रखा गया उन्हें? हजारीबाग जेल में रखा गया। जेल में बिरसा बहुत शांत रहते थे, चुपचाप ही रहते थे। वहाँ भी वे अपने समाज और आंदोलन की भावी योजनाएं बनाते रहते थे। अपने समाज के लोगों के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन की आगे की योजनाएं वो बनाते थे, उनका काम करते थे। 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए। 30 नवंबर 1897 को इनको जेल से आजाद कर दिया, रिहा कर दिया। मुंडा समाज के लिए वो दिन बेहद खुशी का था। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ थे। उनके समाज के लोग बहुत खुश थे और बिरसा को देखने के लिए आ रहे थे। बिरसा जेल में छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप रहे, कुछ बैठे न रह सके। जेल से छूटने के बाद तुरंत लोग अपने काम करने लगे, स्वतंत्रता आंदोलन चलाने लगे। ये भी देश को समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो गए, सक्रिय होना उसमें लग गए। बिरसा ने ये बात अपने मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा का मार्ग अपनाए या हिंसा का। उन्होंने किसी को मजबूर नहीं किया, उन्होंने कह दिया आप कैसे भी करो, हिंसा के द्वारा या अहिंसा के द्वारा, जिस तरह से आप अपने देश को आजाद करवाना चाहते हैं, जैसे उनकी आज़ादी में देश की आज़ादी के लिए आपकी भागीदारी हो, वो आपको उचित लगे वैसा ही आप करो। देश में हम अहिंसा के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने फिर भी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया, जबकि अहिंसात्मक तरीके से वो कर रहे थे, फिर भी उन्हें अपराधी।
ऐसा ही पता है। बिरसा भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, नजर बचा करके छिप गए। वे छिप कर ही गुप्त बैठ के करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते। क्रांतिकारी गुप्त बैठ के करते उनको रास्ता दिखाते क्रांतिकारियों को। 3 मार्च 1900 को चक्रधारपुर झारखंड से बिरसा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर से इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। कौन सी जेल में डाला गया? रांची जेल में। इनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया 3 मार्च 1900 को झारखंड से उन्हें गिरफ्तार किया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वहां पर वो बीमार हो गए, तबीयत ठीक नहीं रखती। उन्हें हैजा हो गया था, उन्हें हैजा नामक बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी? बिरसा मुंडा को जेल में कौन सी बीमारी हो गई थी? हैजा नामक बीमारी हो गई। जेल में ही बिरसा का इलाज कराया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। अंततः 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए। अंत में 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा अब हमारे बीच नहीं रहे, किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच जीवित है। उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आदिवासी लोगों के जीवन में उनके पास भी वो अभी भी जीवित है। वे उन्हें भगवान मानकर पूजते थे, भगवान नाम मानकर उनकी पूजा करते थे। बिरसा मुंडा की याद में रांची में उनकी समाधि, रांची झारखंड और रांची में उनकी समाधि बनी। वहीं पर उनकी विशाल काय प्रतिमा भी लगी हुई है और बहुत बड़ी सी प्रतिमा स्टेचू वहां पर उनका लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? रांची में, जहाँ उनकी समाधि बनी थी। बच्चों, ये हमारा पार्ट 5 का पूर्ण हुआ। धन्यवाद।